या तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी होगी हुई या तो न्यूजीलैंड इंतहाई गंदी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जो भी हो शुभमन गिल ने आज फिर से मेला लूट लिया। ओडीआई क्रिकेट के अंदर उसने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की ही की। T20 में पहले दो में नहीं चला, लेकिन तीसरे में ऐसा चला कि फिर सबके रोंटे खड़े करके रख दी। जहां पे आपको लगता है कि सेंचुरी नहीं हो पाएगी वहां पे ये सेंचुरी कर जाता है। इसको जिसको कहते हैं ना एंड के ओवर में ऐसा गेंद लगता है, जब इसका आपको याद होगा 200 मारते टाइम इसने एंड पे कितने छक्के मारे थे, 5 छक्के मार के इसने 200 कर दिया था। इसी तरह से जब 60 क्रॉस की है तो शुभमन गिल साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने छक्कों की बारिश कर दी और ऐसी बारिश की कि आराम से उसको कहते हैं सेंचुरी करके। सिर्फ और सिर्फ इसकी पूरी इनिंग के अंदर मैं बात करूं, एक गंदी शॉट थी जिसके ऊपर कैच छूटा, अदरवाइज ब्रिलियंट किस्म की बल्लेबाजी की है, मजा आ गया। शुभमन गिल ने फिर से सो कहते हैं ना मेला लूटा और साथ ही साथ आज तो सो कहते हैं क्रिकेट के मास्टर भी बैठे हुए थे सामने, सचिन तेंदुलकर उनके सामने सेंचुरी मारी है। 1 लाख से ज्यादा बंदा क्राउड मौजूद था स्टेडियम के अंदर, उनके सामने सेंचुरी मारना। न्यूजीलैंड सबको छोड़ो, फर्ग्यूसन का मैं समझता हूँ करियर खत्म करके रख दे, क्योंकि मेरिट पे खेली हुई एक ऐसी इनिंग थी जिसपे प्योर टाइमिंग, प्योर एब्सोल्यूट टाइमिंग, मतलब आपको T20 मुकाबलों में इस तरह की सेंचुरीज नहीं दिखती हैं, आपको स्लॉग शॉट्स दिखते हैं, आपको मारा मारी दिखती है, आपको लपेड़ेबाजी दिखती है, लेकिन शुभमन गिल ने जिस क्वालिटी के ऊपर और जिस ग्रिट के ऊपर ये इनिंग्स खेली है सारी तारीफ उसी की बनती है। जिस तरह मैंने बोला इट वॉज एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड एब्सोल्यूट जॉय टू वॉच दिस इनिंग्स, क्योंकि शुभमन गिल ने जिस तरह इस पूरी इनिंग को शेप अप किया है सारा कमाल ही वही है। शुभमन गिल ने 35, पहले तो वो राहुल त्रिपाठी जिस तरह मार रहे थे क्या कमाल खेल रहा, राहुल त्रिपाठी ने भी आज बाद में डिसअपॉइंटेड भी थे जब 22 बॉलों में 44 पे वो आउट हुए, उस वक्त शुभमन गिल बैक सीट लेके बैठे हुए थे। 35 बॉलों के ऊपर शुभमन गिल ने 50 अपनी मुकम्मल की, उसके बाद 18 बॉलों में शुभमन गिल ने 52 मारे, उसके बाद 10 बॉलों में शुभमन गिल ने 24 मारे। तो जो बल्लेबाज आज ही के मैच में इसी पिच पे 142 की स्ट्राइक रेट के साथ 35 बॉलों में 50 की 50 मारता है, और वही बल्लेबाज उसके बाद ऐसे एक्सेलरेट करता है कि जैसे न्यूजीलैंड वाले गली बॉलर में तब्दील हो गए और उनको कुछ समझ ना आ रहा कि हमने इलाज क्या करना है। और जिस बल्लेबाज से 142 के स्ट्राइक रेट से 50 मुकम्मल की हुई हो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो टेक ग्रांटेड नहीं लेता, वो एक्सेलरेट करता है, और ऐसा एक्सेलरेट करता है कि अगली आने वाली डिलीवरीज के अंदर जो कि 28 डिलीवरीज है उसके अंदर वो 76 रन जोड़ता है और अपना स्ट्राइक रेट 200 पे ले जाता है। 7 छक्के 12 चौके, व्हाट एन एब्सोल्यूट प्योर क्लास जॉय टू वॉच। और ये होती है क्लासी बल्लेबाज की इनिंग्स कि जिसके पास स्किल मौजूद हो, आपके पास टाइमिंग मौजूद हो और साथ में अगर आपके पास इंटेंट तगड़ी हो तो आप किसी को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये मोटेरा का ग्राउंड है, नरेंद्र मोदी ग्राउंड इन अहमदाबाद, जो कि इटसेल्फ खुद बहुत बड़ा ग्राउंड है, 1 लाख लोगों का क्राउड है, सीरीज डिसाइडर है, प्रेशर बहुत है। देखिए आप कितना भी बोल रहे हैं बायलैटरल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन जब ग्राउंड में जो 1 लाख बंदा आया हुआ होता है ना वो एक ही उम्मीद लेके आया होता है कि हमने अपनी टीम को जीतते हुए देखना है। शुभमन गिल ने आज इस फॉर्मेट में भी 100 बना दिया और कमाल की बारी खेली है। हालांकि एक वक्त था कि वो बहुत ज्यादा स्लो हो गए थे और राहुल त्रिपाठी तेज खेल लेते, फिर सूर्या कुमार आए तब भी जो है वो बहुत ज्यादा उनका कैच भी गिरा, बट हैट्स ऑफ टू दिस गाय कि कैपिटलाइज किया उन्होंने। और देखिए अगर कहा जाए कि न्यूजीलैंड का गेम में आने के बाद न्यूजीलैंड की बारात लूट ली इन्होंने तो ये गलत नहीं होगा। शुभमन गिल जो आज जिनको पता था इनका रिश्ता पक्का होना है और आज बाकायदा तेंदुलकर उनके होने वाले सुसर, अभी कैच भी छूटा, लक ने आज तीन मैच पहले ही नारे लग रहे थे ना स्टेडियम में बहुत सारा, सबका प्यारा अकेला मारा, मतलब ये वाले किसकी बहुत हमारी भाभी कैसी हो सारा भाभी जैसी। तो मैं ये कह रहा हूँ आज बाकायदा दामाद को देखने हैं कि भाई ये खेलता कैसे है। तो यार क्या 35 बॉलों पे 100 रन मुझे हजम ही नहीं हो रहे थे। मैं वास्तव में इस बात पे झगड़ा कर रहा था कि यार इसने 18 बोले 18 रन बनाए आखिरी, ठीक है तो जाके 50 हो रहे हैं इसके, उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आप ये देखे कन्वर्जन जो है उसकी कि उसने अगली 6 बॉलों के ऊपर गेम ही बदल के रख दिया, यानी कि 80 के बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे 100 होने वाले, मैं 4-6 बॉले ज्यादा भी ले जाऊंगा कोई पूछेगा नहीं। मगर जहां अकाउंटेबिलिटी होती है ना, जहां ये पता होता है कि यहाँ पे मेरिट पे बॉल आ रहा, मेरिट पे चेज आएगा, तुमने मारना है कोई बॉल, कुछ बॉल है वो ऐसी भी खेल के
दिया जो मारने वाले रिजवान के, बोलो ना रिजवान ने 33 बॉलों पे 73 मार दिया, अबे क्या हो गया, 39 पे 73 मार दिया, अब क्या हो गया, चुप हो गए तुम लोगों का मुंह बंद कर दिया, अबे वो लीग के लिए मार रहा है, पाकिस्तान के लिए कब मारे दिखा दो मुझे, वो बॉलर अगर तुम्हें वो तो टॉप के दो बॉलर है, बात इसलिए करूंगा उसने भाई टीम के लिए मार दिए रन, अपनी टीम के लिए मार दी इसलिए बात होगी, वो रिजवान के बात करके क्या करूंगा भाई मैं, मैं तो उसको जब पाकिस्तान के ब्लेजर में देखता हूँ तो वहां उम्मीद लगाता हूँ, यहाँ मारोगे मैं इतना बड़ा कर दूंगा, जब तुम मारोगे किसी और के लिए जहाँ तुम्हारे पैसे लगे हुए होंगे वो मेरे लिए लानत है, मैं क्यों डिस्कस करूंगा उसको, भाई वो इंडिया के लिए मार रहा है यार, वो अपनी टीम के लिए मार रहा है, जहाँ पे जरूरत है उसको, वो आईपीएल में नहीं मार रहा, कितने आईपीएल के लोगों की मैं डिस्कशन करता हूँ यहाँ पे जो 33-100 मारे थे वहां भी आईपीएल में, नहीं भाई वो एक लीग है यार, नहीं गिल्ले आज अपने पैसों के लिए खेलता है, अपने स्टेट के लिए खेलता है, नेशन के लिए खेल रहा होता है आदमी,